हेलो फ्रेंड्स, सुमिता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पावरफुल रेमेडी लेके आए हैं फ्रेंड्स कि अगर आप ये चीज़ शैम्पू में मिला के अगर लगा लेंगे तो आपके बालों की लंबाई इतनी स्पीड से बढ़ेगी कि आप इसका रिजल्ट खुद देख के चौंक जाएंगे और आपके बालों का इतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा खुद आप इसमें हैरान रह जाएंगे। तो चलिए रेमेडी बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करें जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडी देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है आंवला। तो आंवला आपको इस टाइम सीजन में आसानी से मिल जाता है, तो सीजन के टाइम आप आंवले का बेहतरीन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप जितना चाहे उसको आप स्टोर कर सकते हैं, इसका जूस निकाल कर आप स्टोर करिए, पूरी साल भर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आंवले को ग्रेट करके इसका जूस निकालना है। तो आपको 2 से 3 आंवले ले लेना है, आपको जितने आपके बालों की लेंथ है उसी हिसाब से आप आंवले का जूस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रेट करोगे तो बिल्कुल आसानी से इसमें जो जूस है जो निकल जाएगा। आप इसको चाहो तो मिक्सी में भी पी सकते हैं। अगर आपके बाल भी शैम्पू करते टाइम में बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल आपके गिरते हैं या आपके बाल रूखे हो चुके हैं, बिल्कुल भी चमक नहीं रही है, तो आप शैम्पू करते टाइम में ये रेमेडी बना कर अप्लाई करना शुरू कर दें। आपके बालों की सभी समस्याएं दूर होंगी, 100% मैं गारंटी ले रही हूँ। आप इसको हफ्ते में 2 बार इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपके बालों का जो टेक्सचर आप खुद देख के चौंक जाएंगे, नेचुरल तरीके से ब्लैक रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से आपको आंवले को लेकर ग्रेट कर लेना। अगर आपके पास आंवला नहीं है ताज़ा तो आप इसकी जगह आंवले का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको घोल कर उसका पानी भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमने एक आंवला को ग्रेट कर लिया, दूसरे को भी इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए आंवला हमारा अच्छे से ग्रेट हो चुका है, अब इसका हम जूस निकाल के तैयार करेंगे। इतना ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है फ्रेंड्स कि मैं इसका जितना बताऊँ उतना कम है इसके फायदे। इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ये हमारे स्किन के लिए भी उतना ही फायदा करता है, तो हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो आप कोई भी या तो छन्नी की मदद से भी इसको छान के इसका जूस को निकाल सकते हैं, या आप इस तरीके से कोई कपड़ा लेके कपड़े की मदद से भी आप इसका जूस निकाल सकते हैं। कपड़े से आप अच्छे से इसमें पूरा जूस निकल जाता है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें नहीं तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही नई नई हेल्दी रेमेडी देखने को मिलेगी। तो देखिए हमने इस तरीके से इसका जूस को निकाल के तैयार कर लेंगे और बहुत अच्छी मात्रा में इसका जूस निकल जाता है। देखिए 2 आंवले में इतना सारा जूस निकल गया, तो ये आपको एक बार शैम्पू करने के लिए बहुत ही काफ़ी है। ये इसमें इतना सारा जूस है जो कि हमारे जो बाल है जो झड़ते हैं, आपके बालों में चमक नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिल्की बनाएगा अपने बालों में। आप इस तरीके से शैम्पू में मिक्स करके ये चीज़ अप्लाई करना शुरू करें। आप बच्चों से लेके बड़ों तक भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने डाल देंगे इसमें 1 पाउच शैम्पू का ले लेंगे। आप जो भी कोई सा शैम्पू यूज़ करते हैं वो ही आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी जो हम बताएं वो शैम्पू यूज करें, जो भी आप अगर यूज़ करते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और जो आपके बाल झड़ रहे हैं वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे। मैं गारंटी से बोल रही हूँ, आप इसको एक बार भी अप्लाई करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल मिक्स आपको अच्छे से करना है कि अच्छे से घुल जाए जिसको जो हमने आंवले का जूस निकाला उसमें। और आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर आप इसको यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे फ्रेंड्स। मैं गारंटी से बोल रही हूँ, इस तरीके की रेमेडी अप्लाई करेंगे तो, और मैं बहुत ही हेल्दी पावरफुल रेमेडी लेके आती हूँ कि अपने बालों में कोई नुकसान भी नहीं करे और हमारे बालों में बहुत ही अच्छी से एक रिजल्ट लेके आए। बट आप इसको कंटिन्यू अप्लाई करना शुरू करेंगे तभी आपकी समस्याएं दूर होंगे। अब ऐसा नहीं कि 1 या 2 बार में आपके पूरा रिजल्ट आ जाएगा इसमें, फिर आप बीच में बंद कर देंगे तो वही समस्या होने लग जाती है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। तो विटामिन ई का कैप्सूल भी हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से हेल्दी बनाए रखता है। तो विटामिन ई का कैप्सूल भी आपको इसी जो रेमेडी बना रहे उसी में अप्लाई कर लेना है आपको। तो विटामिन ई का कैप्सूल भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दिए, जो इसका ऑयल निकलता है वो मिक्स हो चुका है। और अब इसमें थोड़ी सी मात्रा आप पानी की या डाल सकते हैं, आप इसको बढ़ा के और अपने बालों में अच्छे से आ जाए अच्छे से आप इसको शैम्पू कर लीजिए। अपने बालों की जो जड़ें इतनी मजबूत होंगी, आपके बालों की जो झड़ने की समस्या है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी
और फ्रेंड्स मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपके पास आंवले का जूस नहीं है तो आप इसकी जगह आंवले का पाउडर को पानी में भिगो के या आप उसको उबाल कर उसका पानी छान कर उसमें शैम्पू मिक्स करके आप अपने बालों को धोइए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। बहुत ही ज़्यादा हर्बल शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा ये। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें कितने अच्छे से झाग बन चुके हैं ये। तो आपके बालों की लेंथ के हिसाब से अपनी इसको अप्लाई करें, आपको कोई भी दूसरी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको न इसमें कंडीशनर या सीरम कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, आपको नहीं कोई बालों को ब्लैक करने की टेंशन, क्योंकि नेचुरल तरीके से धीरे धीरे अप्लाई करोगे तो आपके बाल बिल्कुल नेचुरल तरीके से ब्लैक रहेंगे, क्योंकि आंवला हमारे बालों को बहुत ही अच्छी नेचुरल तरीके से ब्लैक करता है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये रेमेडी बना के अप्लाई करेंगे, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है ये। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।